एचपी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक नजर आज के हेडलाइन पर। वसुंधरा की नाराजगी को भाजपा ने किया दरकिनार, जाट नेता बेनीपाल सेमलिया का हाथ। फरीदाबाद में फिर दम दिखाएंगे कृष्णपाल गुर्जर, बीजेपी ने दिया एक और चांस। गांधी नेहरू परिवार में गट रायबरेली सीट पर कांग्रेस की फिर से परीक्षा। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को राजस्थान में तेज तर्रार हनुमान बेनीपाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से चुनावी गठजोड़ कर लिया है। राष्ट्रीय राजनीति में पेटे बनाने की कोशिश कर रहे हैं बेनीपाल के लिए यह गठजोड़ महत्वपूर्ण है, जहां भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने इसके जरिए राजस्थान में अपनी कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की राजनीति को झटका दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए एक बार फिर कृष्णपाल गुर्जर को फरीदाबाद लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। भाजपा ने शनिवार को जारी की गई उम्मीदवारों की लिस्ट में कृष्णपाल गुर्जर के नाम का ऐलान किया है। भाजपा ने हरियाणा के 10 में से 8 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं। 2 सीटों हिसार और रोहतक के लिए अभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना बाकी है। गुरुग्राम से राव इंद्रजीत भिवानी से धर्मवीर सिंह, सोनीपत से रमेश कौशिक, अम्बाला से रतनलाल कटारिया को पूर्ण उम्मीदवार बनाया गया है। नेहरू परिवार में इस गढ़ में सोशलिस्ट नेता राजनारायण ने आपातकाल के बाद 1977 में हुए ऐतिहासिक चुनाव में शिरकत दी थी। रायबरेली जिला अंग्रेजों द्वारा 1868 में बनाया गया था, अपने मुख्यालय शहर के बाद नामित किया गया था। रायबरेली का नाम जेहंत में आते ही गांधी नेहरू परिवार का पूरा खाका सामने आ जाता है। यह वही क्षेत्र है जहां से भारतीय राजनीति की दुर्गा और कांग्रेस में अपराजित माने जाने वाली तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गांधी नेहरू परिवार ने इस गढ़ में सोशलिस्ट नेता राजनारायण ने आपातकालीन के बाद 1977 में हुए ऐतिहासिक चुनाव में शिरकत दी थी। रायबरेली जिला अंग्रेजों द्वारा 1868 में बनाया गया था, अपने मुख्यालय शहर के बाद नामांकित किया गया था, जहां इसी क्षेत्र से कांग्रेस की चुनाव लड़ा जाएगा। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।